मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आम जन को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। एज ए लेमैन कम से कम 5 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स में लेके आ जाना चाहिए, ताकि 30-35 हज़ार रुपये जो व्यक्ति प्रति माह कमा रहा है, वो अपने दो बच्चों की पढ़ाई, जिसमें कि कम से कम नहीं करते हुए भी 10 हज़ार रुपये का मिनिमम खर्चा है, उन बच्चों को पालने के लिए स्कूल भेजना, लाना, ले जाना और उनकी शिक्षा के ऊपर, बाकी 20 हज़ार में वो घर खर्च नहीं चला सकता है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम 40 हज़ार रुपये तक का महीने का जो व्यक्ति कमा रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स का बर्डन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन के साथ साथ बाकी जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ पढ़ाई ही मेन सोर्स नहीं है आगे इनकम के लिए। आज बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे उन लोगों स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ उनको रोज़गार मिले, उनको स्कॉलरशिप मिले, तो उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनको महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसी स्कीम देनी चाहिए जिससे वो अपने आप को सेफ समझ सके। मतलब आजकल रेप के केसेस कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो वो कम हो सके, ऐसी कोई उनको स्कीम लानी चाहिए।